नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कश्मीर पर पाक को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल नहीं है और उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से क्षेत्र में जनमत संग्रह कराने की मंजूरी मिलने की संभावना भी नहीं है। हक्कानी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान में एक भावनात्मक मुद्दा है। उसके नेता अपने लोगों को यह बताने में असफल रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मुद्दे पर अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल नहीं। हडसन इंस्टीट्यूट में दक्षिण एवं मध्य एशिया के मौजूदा निदेशक हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान वर्षों से इस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांग रहा है कि कश्मीर के भविष्य संबंधी विवाद को भारत के साथ वार्ता के जरिए सुलझाया जाए और कश्मीरी लोगों के बीच जनमत संग्रह कराया जाए। भारत इस विवाद पर तब तक बात भी नहीं करना चाहता जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता। उल्टा दांडी मार्च निकालेंगे हार्दिक पटेल। पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल दूसरे चरण में आंदोलन को तेज करने के लिए इस हफ्ते दांडी से अहमदाबाद तक उल्टा दांडी मार्च आयोजित करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में किया गया दांडी मार्च देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अपने आंदोलन में तेजी के लिए हार्दिक द्वारा उसी स्थान को चुने जाने के कदम को विभिन्न पक्षों के बीच संदेश भेजने के लिए चतुराई भरी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की कोर समिति के सदस्य दिनेश पटेल ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती से दक्षिण गुजरात में दांडी तक का मार्च किया था। इस 350 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलकर हम अपना पाटीदार अनामत कूच करेंगे। यह मार्च उसी मार्ग पर आयोजित किया जाएगा जिस पर दांडी मार्च हुआ था, हालांकि हमारा मार्च विपरीत दिशा में होगा। गुजरात में मोबाइल इंटरनेट से प्रतिबंध हटा। गुजरात की व्यावसायिक राजधानी अहमदाबाद में गत 25 अगस्त की रात से प्रतिबंधित मोबाइल इंटरनेट सेवा मंगलवार देर रात से फिर शुरू कर दी गई। पुलिस कमिश्नर शिवानंद झा की ओर से जारी आदेश में पूर्व आदेश को रद्द करते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की इजाजत दी गई है। इसके पहले जारी संदेश में कहा गया था कि पिछले दिनों हुई हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया यह कदम 2 सितंबर की मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। इस दौरान थोक SMS और MMS भी नहीं भेजे जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि गुजरात में राजनीतिक रूप से दबंग पटेल समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के हिंसक स्वरूप धारण कर लेने के बाद 25 अगस्त की मध्य रात्रि से राज्य भर में यह प्रतिबंध लगाए गए थे।